जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। जी हाँ, जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यही विधि का विधान है। विधि के इस विधान से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए। चाहे भगवान राम हो या श्री कृष्ण, सभी को निश्चित समय पर पृथ्वी लोक का त्याग करना ही पड़ता है। मृत्यु प्रांत क्या होता है और जीवन से पहले क्या है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। लेकिन हमारे वेदों एवं पुराणों में लिखा है कि जन्म लेने वाले सभी जीवों के अच्छे और बुरे सभी कर्मों का लेखा जोखा रखने का जो काम करते हैं, उस देवता को चित्रगुप्त कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान चित्रगुप्त की नजरों से कोई भी नहीं बच पाता। मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही यह तय होता है कि उसे स्वर्ग में भेजा जाएगा या नर्क में। भगवान चित्रगुप्त वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रकट हुए थे और इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए सनातन धर्म में इस दिन को गंगा सप्तमी और चित्रगुप्त जयंती के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष यह 18 मई 2021 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। भारत देश में भगवान चित्रगुप्त के अनेकों मंदिर हैं। चित्रगुप्त जयंती के दिन मंदिर में लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आइए जानते हैं कैसे हुई भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति। भगवान चित्रगुप्त परम पिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और यमराज के सहयोगी हैं। सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की तो उनके नाभि से एक कमल निकला और कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माता कहलाए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के क्रम में देव असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री पुरुष एवं पशु पक्षी को जन्म दिया। इसी क्रम में यमराज जी का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि धर्मानुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज ने जब एक योग सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की तो ब्रह्मा जी ध्यान कालीन हो गए और 1000 वर्ष तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, अतः ये कायस्थ कहलाए और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कल्म, दवात और करवाल है। इनकी लेखनी से ही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त और यमराज की मूर्ति स्थापित करके अथवा उनकी तस्वीर रख कर श्रद्धा पूर्वक सभी प्रकार के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर एवं भांति भांति के पकवान, मिष्ठान एवं नैवेद्य सहित इनकी पूजा करनी चाहिए और फिर जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। ऐसा करने से बुरे कर्मों के लिए नरक का फल नहीं भोगना पड़ता। इस संदर्भ में पुराणों में एक कथा का वर्णन भी मिलता है। सौराष्ट्र में एक अधर्मी और पाप करने वाला सौदास नामक राजा राज्य करता था। इस राजा ने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया था। एक बार वह शिकार करने जंगल गया और जंगल में भटक गया। रास्ता ढूंढते हुए उसने एक ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। राजा उत्सुकतावश ब्राह्मण के समीप गया और उनसे पूछा कि यहाँ आप किसकी पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया है, इस दिन यमराज और चित्रगुप्त महाराज की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से नरक से मुक्ति प्रदान होती है। राजा ने तब पूजा का विधान पूछ कर वही भगवान चित्रगुप्त और यमराज की पूजा की। कई वर्षों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा को यमदूत यमराज के दरबार में ले गए। वहां भगवान चित्रगुप्त ने राजा के कर्मों की पुस्तिका खोली और कहा कि हे यमराज, यूं तो यह राजा बड़ा ही पापी है, इसने सदा बुरे कर्म ही किए हैं, परंतु इसने कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को हमारा और आपका व्रत पूजन भी किया है, अतः इसके पाप कट गए हैं और अब इसे धर्मानुसार नरक नहीं भेजा जा सकता, और इस प्रकार राजा को नरक से मुक्ति मिल गई।